कि आप बेटे हैं मेरे, दोनों के दोनों निकम्मे और बेकार। आज तक इस खानदान में कोई भी बेकार पैदा नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसे पैदा हो गए, इतने काम वाले बच्चे हैं आपके, वो जी हर वक्त में डांटा करेंगे। हाँ भी लफंगे, गाड़ी की चाबी किधर है? तुम गए थे सुबह नाश्ता लेने? जी मैंने वो आपकी साइड टेबल पर रखी थी मेरा ख्याल। नहीं है वहां पे, हजार दफा ये बात समझाइए कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रखो वापस उसको। आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं ढूंढूंगा ना, आप इतना बोल रहे हैं मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। वाह डॉक्टर अब्दुल कुदीर खान साहब, पहले बड़ा दिमाग आपका काम करता था, और कुछ तो जिम्मेदारी संभालो। अरे वाह, डैडी भाई को बातें सुना रहे हैं। अरे इन्हीं लम्हों के लिए तो मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी सात नस्लें ना उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ जिन्होंने मेहनत की और अपने दम पे कुछ बने। क्या फायदा ऐसी सात नस्लों का कि आठवीं नस्ल सुकून से बैठ के खा ही ना सके। निकम्मा तू इधर आ जरा। जी डैडी क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ, तुझे पता नहीं है अब होगा। नहीं क्या मतलब पता है, ओ बाप पागल है तेरा, और तू भी माशाल्लाह अपने भाई के नक्शे कदम पे चल रहा है। नहीं 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 डैडी, इस डांट में मुझे ना शरीक करें, मुझे वॉशरूम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। चला जा वॉशरूम। तुम लोग तो ऐसे हो कि कुछ करके भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करोगे। Down the ground, first sign of real aggression. Yeah, on the pull. बहुत अच्छे लफंगे मियां, यहाँ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हो और नौकरी तेरा बाप करेगा? एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, एक मिनट सिर्फ। बरखुदार कोई काम नहीं ना करोगे तो किसी ने तुम्हें अपनी बेटी भी नहीं देनी। किसी की लड़की ब्याह के लानी जरूर है, अपना बेटा ना है उनको आप। बातें सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आप समझे मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप अभी प्रोग्राम बना रहे। हर बात को उल्टा जवाब, वो तू पैदा ही क्यों हुआ इस खानदान में, पैदा ही क्यों हुआ? ना डैडी मारिएगा नहीं। बेशक हम लड़ते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं, लेकिन अब है ये मेरा छोटा भाई, माफ कर दीजिए ना इसको। ओ तुम दोनों का प्यार देख के ना मुझे तुम्हारे ताए की याद आ गई। अब कितना प्यार है हमारे खानदान में, और हमारे खानदान की क्या बात है। ये क्या फिर खानदान?